आज हम लोग सीखने वाले हैं बटर पनीर। तो स्वागत करती हूँ आप सबको आप सबके मन पसंदीदा चैनल लव किचन पर। तो देख लेते हैं क्या क्या चाहिए बटर पनीर बनाने के लिए। जीरा, शाही जीरा है ये, बटर चाहिए ऑब्वियसली, काजू आप अपने मन पसंदीदा ले सकते हो, जावित्री तोड़ के मैंने रखा है एक, मिर्चा पेस्ट यहाँ मैंने लिया, अदरक 3 इंच मैंने लिया है धो के कट कर लिया, रेड चिली पाउडर मैंने लिया कलर बेहतरीन करने के लिए, खड़ा मसाले में दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची है 5-6, नमक, टमाटर 2 मैंने लंबे काट कर लिया है, हल्दी और प्याज मैं लूँगी 3 मीडियम साइज। तो पनीर यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 किलो, मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसे हम लोग शैलो फ्राई कर लेंगे बटर में। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैंने फ्राई करना नहीं दिखाया। शुरू कर देते हैं, कढ़ाई मैंने बिठा दिया गरम करने के लिए। बहुत ही टेस्टी और सिंपल रेसिपी है, आप लोग मेरे वीडियो को देखोगे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत टाइम ऐसा होता है एक के बाद एक वीडियो देखना पड़ता है तब जाके समझ में आता है, पर आप लोग देखना पूरा। सबसे पहले हम लोग डालेंगे इसमें बटर, 1 स्पून तक मैं बटर डाल रही हूँ। यहाँ पर हमें फ्राई करना है मसाला, इसीलिए 1 स्पून ले रही हूँ। बटर को मेल्ट होने देते हैं अच्छे से, हम लोग थोड़ा लगा लेंगे कढ़ाई में अच्छे से, फिर हम लोग डाल देंगे जो मोटे स्लाइसेस किया अनियन का वो। तो डाल देंगे प्याज, अब हम लोग सारे मसाले यहाँ पे मैंने मोटा मोटा ही काट के रखा है क्योंकि पेस्ट करना है। काजू मैं डाल दे रही हूँ, फिर हम लोग डालेंगे टमाटर, टमाटर 2, इससे ग्रेवी बहुत अच्छे से आएगा और कलर भी। अब हम लोग डालेंगे अदरक, अदरक जो मैंने स्लाइस कर लिया है यहाँ पे मोटे मोटे टुकड़े में, सब मिला के हम लोग फ्राई करेंगे बहुत ही अच्छे से। जावित्री भी मैं इसी टाइम दे दूंगी। वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखना, पसंद आए तभी लाइक करना। तो अच्छे से हम लोग इसे फ्राई करेंगे, गैस स्लो टू मीडियम फ्लेम में रहेगा, इसे चलाते रहेंगे बहुत ही अच्छे से, जल ना पाए मसाला इसीलिए हम लोग बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब हम लोग डाल देंगे इसमें नमक, 1/2 स्पून तक मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, फिर से मिक्स कर लेंगे हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से धीमे 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 चलाएंगे और बहुत प्यार से बनाएंगे। फिर हम लोग इसे ढक देंगे 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में ताकि ये मसाला बहुत ही अच्छे से नरम हो जाए। फिर हम लोग इस मसालों को ठंडा कर लेंगे, मिक्सी में पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 मिनट तक और फ्राई करना है, बस हो गए हैं। अब हम लोग ठंडा करने के लिए रखेंगे फिर पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैं जार में दे रही हूँ, आपके पास मिक्सर मैचिंग नहीं है तो आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हो। मेन रीज़न है हमारा मसाला पीसना, चाहे कैसे भी पीसे आप, और सिलबट्टा में मसाला और भी टेस्टी ज़्यादा आता है। मैं पेस्ट कर लूँगी। अब शुरू करते हैं खाना बनाना। बटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, 1 स्पून मैंने डाला, फिर खड़ा मसाला जो है मैं डाल दे रही हूँ। और मुझे भरोसा है आप लोग इतना समझदार हो, खड़ा मसाले में आप लोग कम ज़्यादा कर ही सकते हो, मैनेज आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो छोटी इलायची मैंने लिया 6-7 यहाँ पे हैं। हम लोग थोड़ा सा स्लो फ्लेम में इसको थोड़ा सा खुशबू आने तक एक मिनट के लिए इसे थोड़ा हम लोग फ्राई करेंगे, फिर हम लोग मसाला डाल देंगे जो हम लोगों ने बहुत ही प्यार से पेस्ट बना के रखा है। सॉफ्ट सॉफ्ट सा पेस्ट यहाँ पे बना है क्योंकि मसाला फ्राई किया हुआ है तो बहुत ही अच्छा इसका सॉफ्ट सॉफ्ट टेस्ट आता है। अब हम लोग डाल दे रहे हैं मसाला, फिर हम लोग मसाला बहुत ही अच्छे से बटर के साथ मिक्स करेंगे। पूरा मसाला हम लोगों ने डाल दिया है,
और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बटर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आजकल सब लोग मतलब सोचते हैं कि ज़्यादा घी बटर नहीं खाया जाए, इसीलिए मैं यहाँ भी दही डाल दे रही हूँ। यहाँ पे 2 स्पून तक दही है, मिक्स कर लूँगी बहुत ही अच्छे से। दही डालने से ये ग्रेवी और अच्छे से गाढ़ा होगा, और जो पेस्ट किया था मिर्चा वो भी मैं डाल रही हूँ। फिर हम लोग डाल रहे हैं हल्दी, हल्दी 1 स्पून तक मैंने डाला यहाँ पे। फिर मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 स्पून तक, यहाँ पे 1 स्पून नहीं हुआ है, मैं पूरा डाल दूँगी 1 स्पून, नहीं तो कलर बहुत अच्छे से नहीं आएगा। मैं डाल दे रही हूँ, अब हम लोग मिक्स करेंगे फिर से, धीमे धीमे मिक्स करते रहेंगे प्यारे प्यारे अपने हाथों से, और जब दिल लगा के आप लोग बनाओगे तो टेस्टी बहुत बनेगा। ऐसे भूनते रहेंगे, फिर डालूंगी मैं चीनी 1 स्पून तक। मैं चीनी यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चीनी नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो चीनी को, बहुत लोग पनीर में चीनी डालना पसंद नहीं करते। नमक मैं डाल रही हूँ 1 स्पून, 1 स्पून मैं पूरा दे दूँगी। फिर से हम लोग नमक डाल के अब मिक्स करेंगे, ताकि सारे मसाले में नमक अच्छे से घुल मिल जाए। फिर से हम लोग फ्राई करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। अब शैलो फ्राई किया हुआ पनीर तो मैं अब डाल दे रही हूँ। अब इसके साथ बहुत ही प्यार से मसाले को हम लोग मिक्स करेंगे, पनीर यहाँ पे टूटेगा नहीं, बहुत ही आराम से आप लोगों को करना है। 1 मिनट तक हम लोग इसे भून लेंगे बहुत ही अच्छे से। भूनते भूनते मसाला इसके अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स्ड हो गए। मैं पानी डाल रही हूँ यहाँ पे, 300 ग्राम तक पानी है, मैं डाल रही हूँ पानी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। पानी यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, मैं थोड़ा सा और पानी मैं डालूँगी यहाँ पे। अब हम लोग इसे बहुत ही अच्छे से ग्रेवी गाढ़ा होने तक इसे कुक करेंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ हम लोग बढ़ा देते हैं, बहुत ही अच्छे से हम लोग होने देंगे इसको। अभी कैसा लगता है मेरी वीडियो? आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रेवी हो रहे हैं, यहाँ पे ग्रेवी और थोड़ा सा गाढ़ा करना है। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी गाढ़ा नहीं करूँगी, 1 मिनट तक और पकाएंगे। आप लोग को पसंद है तो ग्रेवी गाढ़ा कर सकते हो। मैं 2 स्पून बटर अभी इस टाइम डाल रही हूँ, बटर पनीर है तो आप लोग बटर आप लोगों को जितना मन करे दिल खोल के आप लोग बटर इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो मैंने यहाँ जैसे बनाया है यहाँ पे आप 2 स्पून डाल सकते हो। इसी टाइम बटर डालने में खुशबू बहुत ही अच्छे से रह जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा मिला देंगे और बटर ऊपर से उसका बटर ऊपर से छोड़ने लगते हैं, खुशबू बहुत बटर पनीर का आते हैं, इसीलिए हम लोग इसी टाइम में डालते हैं। हम लोग उतार लेंगे, हमें ग्रेवी इतना रखना है इसीलिए हम लोग उतार ले रहे हैं। आप लोगों को गाढ़ा करना है तो आप लोग बहुत गाढ़ा कर सकते हो रेस्टोरेंट जैसा। तो यहाँ पे बन गया है मेरा बटर पनीर, तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से बना है। यहाँ पे 1/2 किलो पनीर है, यहाँ पे 5 लोग कम से कम 5-6 लोग आराम से खा सकते हैं। आप लोग देख सकते हो एक भी पनीर यहाँ पे टूटा फूटा नहीं है। तो कैसा लगा ये पनीर की रेसिपी? मेरे चैनल में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब बहुत ही टेस्टी फूड है, आप लोग देखना ज़रूर। टाटा बाय।